आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 2023 KTM Duke 390। यहाँ पर बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन से कलर्स देखने को मिलते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं Throttle 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस जो है बाइक की वो मैं बता देता हूँ, 3,63,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है जयपुर के अंदर KTM Duke 390 की। 3,63,000 रुपये इज़ द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग बाइक Duke 390। इस बाइक का नाम है Duke की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है, 390 की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है। दो कलर्स के अंदर ये बाइक इस समय इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलती है, एक ये वाला कलर है, एक दूसरा जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ऑरेंज एलिमेंट भी देखने को मिलता है। ये एक प्रॉपर ब्लैक्ड आउट लुक वाली Duke 390 है। यहाँ पर मैं आपको पहले बाइक का एक बार छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ कि बाइक कैसे दिखती है, हर एक एंगल से हर एक डायमेंशन कैसा है बाइक का वो मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द अमेजिंग KTM Duke 390। यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। यहाँ पर आपको जो है 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। जो बाइक है इसके अंदर आपको 320 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलते हैं, WP के बाइब्री कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। प्रॉपर एक ब्लैक्ड आउट थीम के अंदर बाइक आती है, ग्लॉस ब्लैक है, ये आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलता है पीछे की तरफ। यहाँ पर जो हेडलाइट क्लस्टर है कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है विद LED DRLs और LED इंडिकेटर्स। एग्जैक्टली यहाँ पर जो ऐसा हेडलाइट क्लस्टर ये Duke 250 के अंदर भी आता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर बाइक का देखने को मिलता है, साथ में LED इंडिकेटर्स आते हैं कुछ इस प्रकार के, सेम दोनों KTM Duke 390 और Duke 250 में सेम हेडलाइट क्लस्टर और सेम इंडिकेटर्स आते हैं। यहां पर जो है आपको हैंड गार्ड्स देखने को मिलते हैं कंपनी फिटेड, ये आपको और किसी KTM बाइक में नहीं देखने को मिलते, सिर्फ Duke 390 के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है एडजस्टेबल जो है लीवर्स देखने को मिलते हैं ब्रेक के भी, और यहाँ पर क्लच का भी मैं बात करूँ, क्लच का लीवर भी एडजस्टेबल है। रियर व्यू मिरर्स कुछ इस प्रकार के आते हैं कुछ इस डिज़ाइन के। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक कंप्लीट यहाँ पर TFT कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। यहाँ पर आप जो है बटन्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न पास बटन देखने को मिलता है, और राइट साइड में आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच देखने को मिलता है। 13.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, मेटल फिनिश का है, की होल एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का जो है व्यूइंग एंगल आता है राइडर का जब बाइक चलाता है वो, कुछ इस प्रकार के आपको साइड पैनल्स देखने को मिलते हैं। ये प्रॉपर एक ब्लैक आउट लुक वाली बाइक है, तो आपको काफ़ी कुछ ब्लैक थीम के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये आपको ग्रेइश ब्लैक कलर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो ग्राफिक्स है ब्लैक कलर के अंदर है। Duke की बैजिंग है, 390 की बैजिंग है, साथ में स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आता है ऑरेंज कलर के अंदर, हाफ पेंटेड है, एंड यहाँ पर आपको जो है मैट ब्लैक के अंदर हाफ पेंटेड देखने को मिलेगा। इंजन के बारे में बात करें, 373.33 cc का इंजन आता है। Duke 390 एक प्रॉपर रॉकेट बाइक है मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही पोटेंशियल वाली, एक अच्छी सुपर बाइक कैटेगरी की बाइक मैं इसको मानता हूँ। बिकॉज जो इस बाइक की पावर है उसके हिसाब से इसका जो वेट है बहुत कम है, तो ये एक बहुत ही एक पेपी बाइक है, बहुत ही मज़ेदार वाली बाइक है। 373.33 cc का इंजन है, ऑलमोस्ट 25 km/L का यहाँ पर बाइक माइलेज दे देती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 160 km/h की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। 174 की भी लोग निकाल चुके हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। रियर में आपको यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम बाइक के अंदर देखने को मिलता है। साइड एग्जॉस्ट कुछ इस प्रकार से आता है, इस बाइक का काफ़ी बेसी साइड एग्जॉस्ट है। Duke 250 और Duke 390 का जो एग्जॉस्ट है वो आपको सेम ही देखने को मिलता है, बट जो एग्जॉस्ट नोट है उसमें हल्का सा बेस में मेन डिफरेंस है। यहाँ पर जो सीट्स हैं आपको स्प्लिट सेक्शन की देखने को मिलती है, राइडर और पिलियन की स्पेसिंग काफ़ी डिसेंट है, पिलियन की स्पेसिंग थोड़ी बेटर हो सकती है। यहाँ पर आपको LED टेल लाइट विद LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। रियर में आपको ब्रेक्स यहाँ पर डिस्क देखने को मिलते हैं, बाइब्री कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो ब्रेकिंग सिस्टम आता है। इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर प्लस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हो, तो एक प्रॉपर सुपर बाइक वाला फीचर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, विच इज़ रियली फिनोमिनल। सो Duke 390 मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है KTM की तरफ से। 3,63,000 रुपीज़ अगर आप पे कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको किसी और बाइक में जाने की सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस दिस बाइक डिलीवर्स। सुपर ब्रेकिंग, बहुत ही अमेजिंग पावर है, मतलब सेकंड थर्ड गियर में भी व्हीली मारने को तैयार रहती है बाइक, बहुत ही आराम से, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस बाइक के पावर में। सो आई पर्सनली रियली रियली लव द होल
क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक. मेरे हिसाब से दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट बिल्ड बाय KTM इन इंडियन मार्केट. आपको कैसा लगती है ये ड्यूक 390 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन में बिल्कुल भूलिएगा. इंस्टाग्राम अभी तक मुझे फॉलो किया तो कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है throttle_98 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. मिलते हैं आपसे वीडियो में. थैंक्स फॉर मेकिंग पावर डे. सी यू नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम आई एम बी हैप्पी एंड राइड सेफ. बाय बाय.